हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम इस वीडियो में ना पढ़ने जा रहे हैं, हम आज सर्कुलर लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इससे पिछले वीडियोस में हमने सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर ली थी पूरी तरह से। इसमें हमने हमारे इंसर्शन ऑपरेशन और डिलीशन ऑपरेशंस को देख लिया था। फिर हमने डबली लिंक लिस्ट की भी बात की थी और इसमें भी हमने हमारा इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही ऑपरेशंस की बात कर ली थी पूरी तरीके से। आज हम इस वीडियो में सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करने जाएंगे, ठीक है। तो यार, अब मैंने ना सर्कुलर लिंक लिस्ट पहले ही तुम्हें समझा चुका है, पर मैं एक बार और तुम्हें बताऊंगी कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है। देखो, सर्कुलर लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके की होती है। ये हमारी नोड होती है, इसके फर्स्ट में हमारा क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट में हमारा क्या होता है, एड्रेस होता है। किसका? नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है हमारी नेक्स्ट नोड का यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारी अगली नोड से कनेक्टेड होती है, ठीक है। मान लो ये नोड है, ठीक है, ये वाली नोड हमारी एक, मान लो ये हमारी क्या है, लास्ट नोड है, इससे कनेक्ट होगी, ठीक है। ये क्या है, हमारी लास्ट नोड है, इससे कनेक्टेड होगी। अब देखो, क्योंकि ये सर्कल है, ये क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर है, मतलब क्या बन रहा होगा, एक सर्कल क्रिएट हो रहा होगा, एक सर्कल बन रहा होगा। तो देखो, ये लास्ट नोड के नेक्स्ट में अगर मैं सिंगली लिंक लिस्ट की बात करूं तो नल रखा हुआ होता है। पर सर्कुलर लिंक लिस्ट में कुछ और होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में नल की जगह ये जो आखिरी नोड होती है, ये हमारी फर्स्ट नोड से होती है क्या, कनेक्टेड। ये हमारी फर्स्ट नोड से कनेक्टेड होती है, ठीक है। मतलब इसमें किसका एड्रेस रखा होता है, आखिरी नोड में एड्रेस रखा हुआ होता है फर्स्ट नोड का, मतलब हेड का एड्रेस रखा हुआ होता है। तो हो गया एक सर्कल तैयार कि हमने फर्स्ट नोड से शुरू किया, फिर हम आगे गए, फिर हम आखिरी नोड पे पहुंचे और फिर आखिरी नोड से हम दोबारा से फर्स्ट नोड पे हो गए, बन गया एक सर्कल। अब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट दो तरीके की होती है। एक तो हमारी नॉर्मल सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट होती है, ठीक है। एक होती है हमारी सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज जो हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे ना, वो सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक बात है। तो यार देखो, यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मेरे को लिंक लिस्ट बनानी है। तो लिंक लिस्ट बनानी है तो सबसे पहला काम तो तुम क्या कर लो, नोड बना लो। तो हमने क्लास नोड बना ली, सबको मैं किस में रखूंगी, पब्लिक मोड में रखूंगी। तो यहाँ पे मेरी क्या होगा, डेटा होगा, और क्योंकि हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा केवल एक ही पॉइंटर होगा क्या, जो कि नेक्स्ट के एड्रेस को रखेगा। और मैं यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर कॉल करवा दूंगी जिसमें क्या जाएगा, हमारा वैल्यू जाएगा। और ये जो डेटा है उसको किससे इनिशलाइज करा दूंगी, वैल्यू से इनिशलाइज करा दूंगी। और नेक्स्ट में क्या रखवा दूंगी, यहाँ पे नल रखवा दूंगी, ठीक है। तो ये तो देखो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसका, नोड का। ये हमारी नोड क्रिएट हो गई। अब एक काम करती हूँ, मैं एक हेड नोड बनाती हूँ। मैंने ये एक हेड नोड बनाई और इसमें मैं क्या दे दूंगी, मान लो मैं 5 दे देती हूँ, ठीक है। ये हमारी पहली नोड बन गई। अब मान लो तुम्हारी लिंक लिस्ट में क्या है, एक ही नोड है, ठीक है। मतलब मान लो तुम्हारी लिंक लिस्ट अभी कैसी है कि ये तुम्हारा क्या है, केवल एक ही नोड है, ये क्या है, 5 है। और ये किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को पॉइंट कर रहा है, हेड को पॉइंट कर रहा है। अब देखो, इसके नेक्स्ट में नल है, इसके नेक्स्ट में अभी नल है, पर हमें क्या करना है, हमें तो सर्कुलर लिंक लिस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हेड के नेक्स्ट में, मतलब इसको सर्कुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये ही वन एंड ओनली नोड है हमारे पास में। तो इस हेड के नेक्स्ट में वापस से हम किसका एड्रेस रखवा देंगे, हेड का ही एड्रेस रखवा देंगे। हो गया एक सर्कल क्रिएट, हो गया ये एक सर्कल क्रिएट, ठीक है। तो देखना, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, हेड के नेक्स्ट में क्या रखवा दूंगी, इस हेड को ही रखवा दूंगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, देखो जब एक ही नोड है, एक नोड को सर्कुलर बना दिया हमने यहाँ पे, बिल्कुल। पर मान लो बहुत सारी नोड होती हमारे पास में, बहुत सारी नोड होती, तो उसको हम कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक नोड स्टार टेम्प बनाऊंगी, ठीक है। और इस टेम्प को किस पे पॉइंट करा दूंगी, हेड पे पॉइंट करा दूंगी, अच्छी बात है। अब मान लो मैं 5 नोड्स इससे अटैच कर देती हूँ,
तो आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन फाइव कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो भी हमारा टेम्प है उसके नेक्स्ट में मैं क्या करूँगी, एक न्यू क्या बनाऊँगी, नोड बनाऊँगी, और उस न्यू नोड की वैल्यू मैं क्या दे देती हूँ, आई ही दे देती हूँ यहाँ पे। मैंने न्यू नोड की वैल्यू क्या दे दी, आई दे दी यहाँ पे, और टेम्प इक्वल टू टेम्प का क्या करा दिया यहाँ पे, नेक्स्ट करा दिया। तो मैं समझाती हूँ ये काम कैसे कर रहे हैं, देखना ध्यान से। देखो हमने पहले ही अपनी क्या करी थी, एक हेड नोड बना रखी थी, उसका डेटा क्या था, फाइव था। ये हमारा क्या हेड है, ठीक है, अच्छी बात है। ये हमारा क्या है, अब हमने टेम्प को यहीं पे पॉइंट करा दिया, और हमने लूप कहाँ से चलाया, आई इक्वल टू जीरो से हमने काम करना चालू किया। तो देखो अभी मैं जीरो पे हूँ, टेम्प के नेक्स्ट में मैंने क्या रखवा दी, ये जीरो वाली नोड रखवा दी, बिल्कुल आ गई, और इस टेम्प को मैंने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अच्छी बात है यार, ये काम भी अच्छा हो गया। अब मेरा आय इंक्रीमेंट हो गया, क्या बन गया, वन हो गया। तो मैंने इस टेम्प के नेक्स्ट में किसको रखवा दिया, इस टेम्प के नेक्स्ट में मैंने वन को रखवा दिया, और इस टेम्प को मैंने फिर से आगे बढ़ा दिया। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और मैंने आय को इंक्रीमेंट करा दिया टू, ठीक है। अब मैंने और आगे बढ़ा दिया, तो देखो टेम्प के नेक्स्ट में मतलब यहाँ पे किसका एड्रेस आ गया, इस टू वाली नोड का आ गया, और मैंने इस टेम्प को वापस से क्या वहाँ बढ़ा दिया, यहाँ पे आगे बढ़ा दिया, और आई को और इंक्रीमेंट कर दिया। फिर अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे मेरी टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ गई, थ्री वाली नोड आ गई, बिल्कुल आ गई। मैंने टेम्प को और इंक्रीमेंट कर दिया, टेम्प को और आगे बढ़ा दिया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया फोर से, ठीक है। अब मैं और आगे गई, देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा फोर हो गया, और हमने टेम्प को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, और हमने इस आई को इंक्रीमेंट करके फाइव कर दिया। अब क्या फाइव हमारा लेस देन फाइव है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब हम यहाँ पे आके रुक गए, हम यहाँ पे आके रुक गए। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास हमारी लास्ट नोड आ गई, हमारे पास हमारी लास्ट नोड आ गई, ठीक है। अब यार टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मतलब हम यहाँ पे आके रुके हुए हैं अभी, तो हम इस लास्ट नोड को किससे कनेक्ट कर देंगे, हम इस लास्ट नोड को हमारी इस हेड से कनेक्ट कर देंगे। तो देखो अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे टेम्प के नेक्स्ट में क्या रखवा दूंगी, जो भी हमारा हेड है उसको रखवा दूंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमने क्या किया, इस वाली नोड को वापस से किससे कनेक्ट कर दिया, इस वाली नोड से कनेक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, इस आखिरी नोड को दोबारा से हमारी फर्स्ट नोड से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, बन गई हमारी ये लिंक्ड लिस्ट सर्कुलर। हो गया हमारा काम क्या, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने का। अब मैं तुम्हें इसे प्रिंट करा के दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक प्रिंट फंक्शन कॉल करूंगी, और उसमें क्या भेज दूंगी, हेड को भेज दूंगी, ठीक है। अब देखो अगर हमारा हेड इक्वल इक्वल नल है, मतलब लिस्ट में कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी, सी आउट कराऊंगी कुछ, कि लिस्ट क्या है, लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वही मैं काम करूंगी, नोड स्टार्ट टेम्प इक्वल टू क्या दे दूंगी, हेड दे दूंगी, और मैं एक वाइल लूप चलाऊंगी, इसकी कंडीशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सी आउट कराऊंगी क्या, टेम्प एरो डेटा को, ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रिंट करा दिया, और मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करा दिया, अच्छी बात है। इफ हमारा टेम्प इक्वल इक्वल हेड हो गया, अगर हमारा टेम्प क्या हो गया, इक्वल इक्वल हेड हो गया, तो मैं है ना एक बार तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू को वापस से प्रिंट कराऊंगी, और यहाँ से क्या कर दूंगी, लूप को ब्रेक कर दूंगी, लूप को क्या कर दूंगी, ब्रेक कर दूंगी, और इसको मैं ट्रू पर चलाऊंगी, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा, देखो कहाँ से शुरू हुआ,
आ गया सर्कुलर फाइव था, हमारा हेड फाइव पे था, फिर हम 0, 1, 2, 3, 4 इसको इंसर्ट कराया और देखो लास्ट नोड में वापस से क्या आ गया, हमारा हेड आ गया। ठीक है, तो ये देखो हमारी क्या आ गई यहाँ पे, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट बन के आ गई। तो यार इतना इजी इंप्लीमेंटेशन था सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का, कुछ नहीं करना था, जो लास्ट नोड थी उसमें हमें किसका एड्रेस रखवाना था, फर्स्ट नोड का एड्रेस रखवाना था। तो अगर तुम्हें सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट समझ में आया हो कि हम इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, इसी के साथ में हम अगले वीडियोस में सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन भी पढ़ेंगे, तो उनको भी जरूर देखना। थैंक यू सो मच।